आप बताओ यार, आपको क्या लगता है, क्या मुझे चला जाना चाहिए इंडिया छोड़ के? अरे तू जा रही। अब ये वीडियो एक्चुअली इस क्वेश्चन की है ही नहीं कि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ये एक्चुअल में है इसलिए कि ज्यादा पैसा कमाना इंडिया में मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा आप डेटा से देख सकते हैं। 2023 में ऑलमोस्ट 6300 HNIs ने इंडिया छोड़ दिया। अब HNIs क्या होते हैं? HNIs वो लोग होते जिनकी नेटवर्थ 10 लाख डॉलर के इक्वल होती है। अब HNI क्या होते हैं? HNI यार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब जो साल का 10 लाख डॉलर से ऊपर कमाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 8.5 करोड़। तो 8.5 करोड़ कमाने वाले 6300 इंडिविजुअल ने 2023 में इंडिया छोड़ दिया। और 2024 में अभी तक का जो नंबर सामने आ रहा है वो ऑलमोस्ट 4300 लोगों का। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ऑलमोस्ट 11,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने इंडिया छोड़ दिया भाई। और अगर इनकी कैलकुलेशन आप करोगे कि इनका टोटल नेटवर्थ कितना होता है, तो 11,000 × 8.34 करोड़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इकॉनमी के लिए कितने बड़े बूस्टर्स हैं। बट ये अब इंडिया छोड़ के जा चुके। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए, क्या फर्क पड़ता है, अमीर आदमी तो चला ही जाता है इंडिया छोड़ के। बट ये एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मतलब ये सारे क्या थे, ईमानदार टैक्स पेयर थे इंडिया में, ये अपनी इनकम का बहुत बड़ा चंक एज अ टैक्स पे कर रहे थे। और अगर ये टैक्स हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा तो उसका बोझ किस पे आएगा? वो एक्चुअली में मिडिल क्लास के ऊपर आएगा। तो आप लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनका बाहर जाना। और जितनी तेजी से ये लोग बाहर जाते रहेंगे उतना ही इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ने लग जाएगी हमारी कंट्री में। इन सब चीजों को देख के मेरे मन में भी ख्याल आया कि यार अगर सही पैसा कमा ही रहे और यहाँ पे इतना टैक्स भरी रहे हैं तो कोई बाहर और कोई कंट्री देखी जाए कि जहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया। क्यों आया मैं बताऊंगा कि ऐसा उनके मन में ख्याल क्यों आया और मेरे मन में भी क्यों आया। अभी कुछ टाइम पहले मैं दुबई घूमने गया था, मैंने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट देखा, वहां पे बिजनेसेस को कितना तेजी से प्रमोट किया जाता है वो देखा, बहुत सारी चीजें देखी। मुझे लगा कि यार यहाँ कितना सब कुछ सही है, काश ऐसे कुछ चीजें हमारी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट हो जाती। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिया में जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो यहाँ से बाहर मूव होने की क्यों सोच रहे हैं? और जनरली ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में लोग होते हैं और वो बाहर मूव करके बहुत कुछ बड़ा बड़ा कर देते? आप खुद देखो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सब कुछ मतलब बाहर के देश में, और हम बोलते हैं कि वो इंडियन है। यार कैसे इंडियन भाई, वो तो दूसरे देश के लिए काम कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे टैक्स पे कर रहे हैं। एक्चुअली वो इंडियन ओरिजिन है और कोई भी बाहर से इंडिया वापस नहीं आना चाहता। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपको बताना, 3 most important reasons है जो मैंने फाइंड आउट की। फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हमारी कंट्री में क्वालिटी ऑफ लाइफ आप देखो भाई कि पॉल्यूशन के क्या हालत, टेम्परेचर कितने ज्यादा हो चुके, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड्स कैसे है, बहुत सारी चीजें जहाँ पे अभी ग्रोथ की जरूरत है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो हम बहुत नीचे आते हैं बहुत सारी कंट्रीज से अगर कंपेयर किया जाए। मतलब आप खुद देखो जो मेट्रो सिटीज है वो बिल्कुल एक गैस चैम्बर्स की तरह हो गए। मतलब आप अगर सांस लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ भारी भारी फील हो रहा है, मतलब घुटा घुटा सा महसूस होता है। मेरे को तो होता है भाई, आप लोगों को होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर आप बाहर की कंट्रीज में ट्रैवल करते हो तो वहां आप सांस लेते हो तो आपको एक डिफरेंस फील हो। कोई अगर बाहर कंट्रीज में ट्रैवल करता है तो ये बता भी सकता है। अगर अपनी कंट्री में ही ले ले तो अगर आप पहाड़ों पे ट्रैवल करते हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता है रादर देन अगर आप दिल्ली में रह रहे हो। इसी रीजन की वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो है दिल्ली से शिफ्ट कर रही है दूर दूर, मतलब नियर बाय हिली एरियाज के, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी तो फिर भी वहां नहीं है बट चलो साफ हवा तो मिले सांस लेने के लिए। फिर वो वहां मूव कर जाते हैं तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे से डेवलप नहीं है। तो ये सब चीजें देख के भाई जो जिनके पास पैसा नहीं है वो तो मजबूर है, उनको तो रहना ही पड़ेगा वहां पे। लेकिन जिनके पास पैसा है वो देखते हैं कि यार यूरोप में, यूएस में, दुबई में, सिंगापुर में यहाँ पे कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो पहला रीजन है जो HNIs इंडिया से बाहर मूव कर। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है भाई रिटर्न ऑन टैक्सेस। मतलब हम अगर टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को तो उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। जो HNIs हैं वो तो अपना ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे थे, जहाँ से बाहर, मैं चोरों की बात नहीं कर रहा जो चोरी करते हैं जो आपको पता है, लेकिन जो ईमानदार है टैक्स पेयर है वो तो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा था, बट उसे क्या उस टैक्स पे कुछ रिटर्न मिला? देखो जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं उसमें क्या हमारी एक्सपेक्टेशन हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो हाई नेटवर्थ हो, चाहे कोई भी फैमिली हो, जो एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट से, दैट इज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों पे ही एक्चुअल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा स्पेंडिंग हो। अब वो जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, जनरली बाहर की कंट्रीज में अगर आप अच्छे से टैक्सेस पे करते हो तो आपके बच्चे की एजुकेशन 12th तक फ्री होती है, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है बहुत अच्छी, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर,
मिलता है टैक्सेस से, एक्चुअली में यही तो डेवलप करना और यही एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है। मैं मानता हूँ भाई मैं जितना पैसा कमाता हूँ, गवर्नमेंट बोले कि भाई तू 30% टैक्स भर दे, मैं 30-40% भरने को तैयार हूँ। आप बोलो कि तेरी फैमिली में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका टेक केयर भाई हम करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली में अगर आप कहीं किसी जगह पे रहना चाहते हो तो यही तीन चीजें तो एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट से। अब आप खुद सोचो कि क्या आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराना प्रेफर करते हो या फिर अपने बच्चों को किसी गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहते हो? क्यों है वो? क्योंकि वो जो स्पेंडिंग है वो ढंग से नहीं हो रही। एक्चुअली में प्रॉब्लम गवर्नमेंट की भी नहीं है, मतलब जो 98% पॉपुलेशन है वो टैक्स नहीं पे कर रही, सिर्फ 2% पॉपुलेशन टैक्स पे कर रही है। और वही 2% पॉपुलेशन भी अगर इंडिया से उठ के बाहर जाती रहेगी तो फिर क्या ही होगा भाई इस देश। इंपॉर्टेंट फोकस क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का, जो मेरा एक सजेशन है। अब हमारा सजेशन भाई कौन ही सुनता है, बट आप इस वीडियो को प्रमोट कर दोगे, लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे तो शायद किसी ऑफिशियल तक पहुंच ही जाए और उसको कुछ समझ में आए कि एक्चुअली में हमें नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स ज्यादा चाहिए। ये नहीं कि भाई जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स ले। ऐसी चीज है, फार्मर्स के ऊपर जीरो टैक्स है। अच्छी बात है कि आपने फार्मर्स को जीरो टैक्स दिया, लेकिन आप इनकम भी तो देखो, कुछ एक इनकम तक आप उसको दिखा सकते हो कि भाई उन पे जीरो टैक्स है। एग्रीकल्चरल लैंड से पैसे की कमाई दिखा के 50-50 लाख, 1-1 करोड़ और जीरो टैक्स दे के निकल जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर टैक्स ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो गवर्नमेंट की अर्निंग्स ज्यादा होगी। मतलब मैंने तो बचपन से ही यही सोचा है कि अगर कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, भाई हम जो है एक बिजनेस ही है, टैक्सेस हमसे ही तो कलेक्ट कर रही है, तो अगर बिजनेस करते हैं तो ये सोचते हैं कि चीज सस्ती हो और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, तभी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। कोई भी आपका प्रोडक्ट है वो कम ही ऑडियंस को टारगेट कर रहा है तो कुछ टाइम बाद आपको कस्टमर्स की कमी फील होने लग जाएगी। यही चीज टैक्स कलेक्शन में भी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करो, थोड़ा थोड़ा पैसा उनसे ले लो। मतलब एक बहुत अच्छी टैक्स रिजाइम है जो BTT होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स, उसके बारे में अगर आप कहोगे सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे ही लोगों को टैक्स लगे। कोई ये जो भी लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कुछ एक वैल्यू से ऊपर और बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उन पे एक टैक्स लग जाए बहुत छोटी सी वैल्यू, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है भाई जाने का, दैट इज राइज इन कैपिटलिज्म। अब जो कैपिटलिज्म यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, मतलब कुछ ही लोग सारे बिजनेसेस को ओन करते हैं। आप लोग खुद सोच सकते हो, आपको कुछ समझ में आता हो कि पोर्ट्स किसके पास है, टेलीकॉम में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, ऑयल नेचुरल गैस किसके अंडर है, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सारे किसको मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कौन कौन सी कंपनीज है, आपको थोड़े से नाम दिमाग में है, इसी को बोलते हैं भाई कैपिटलिज्म। कोई ही बड़ा बिजनेस वो हर जगह पे पहुंच जाएगा तो छोटे बिजनेसेस का सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाए। मान लो अगर HNIs है जो हाई नेटवर्क, मतलब अगर 5-10 करोड़ रुपए वो साल का कमाते हैं, दैट मीन वो एक SME या MSME ही चला रहे होंगे, या फिर कोई स्मॉल बिजनेस या मीडियम स्केल बिजनेस चला रहे होंगे, तभी वो इतनी इनकम कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा कोई इनकम कर रहा है तो फिर तो वो बड़े लोग हैं। अब प्रॉब्लम उनके साथ बिजनेस की होगी। कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा है, एक ही बिजनेस सब जगह पहुंचता जा रहा है, कुछ ही लोग सब जगह राज कर रहे हैं और उनका गवर्नमेंट से सेटिंग भी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उनको अपने बिजनेसेस के लिए भी प्रॉब्लम नजर में आ रही है। प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल नहीं रही, प्लस टैक्सेस का कोई रिटर्न मिल नहीं रहा, तो बंदा अगर छोड़ के नहीं जाएगा तो क्या करेगा? अब ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है भाई, मैं अभी इनमें नहीं आता, लेकिन सपोज अगर कुछ साल बाद मैं भी अगर इस इनकम ब्रैकेट में पहुंच जाऊंगा तो मैं भी यही सोचूंगा कि भाई मुझे यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अभी मेहनत कर रहे होंगे और शायद वो उस जगह तक पहुंचेंगे, और जब ऐसी चीजें उसको दिखेंगी तो उसको यहाँ से मूव करने के अलावा और कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया। सिर्फ तीन ही एक्सपेक्टेशन है, एक अच्छी अर्निंग कर रहा है, अच्छा टैक्स पेयर है, ईमानदारी से सब टैक्स भर रहा है, सब कुछ सही तरीके से करता है, तो वो सिर्फ तीन ही चीजें एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हो, और उसकी फैमिली में अगर कोई भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम हो और वो अच्छा टैक्स पेयर है तो उसको एक बेनिफिट मिले ना कि यार वो जाके कहीं भी अपना इलाज कराए कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम के तो बारे में क्या ही कहूँ, लेकिन कम से कम अच्छी एजुकेशन अगर उसको अपने बच्चों को देनी है तो उसके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिलनी चाहिए, या फिर हो सकता है फ्री भी कर सकते हैं उसको। और तीसरी चीज है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बहुत ज्यादा एलोकेट होता है, सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन जो बीच में खाने वाले हैं ना वो सब खत्म कर दो। तो मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पैसा कैसे स्पेंड हो रहा है, ये सब चीजों के लिए बजट एलोकेट होता है और बहुत बढ़िया बजट होता है, लेकिन इनके पीछे एक मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं। जब तक मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जो HNIs है वो जा कहां पे रहे हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है ये क्यों मूव कर जा रहे हैं? क्योंकि बाहर की कंट्रीज बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दे रही है भाई। आपको US में ग्रीन कार्ड चाहिए, आप $1 million का बिजनेस बनाओ, वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको US का ग्रीन कार्ड मिल जाए। दुबई में जाना, आपको दुबई का रेजिडेंसी वीजा चाहिए, आप वहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश कर दो, जाके 5-10 लाख रुपए स्पेंड करो, आपको वहाँ का रेजिडेंसी वीजा मिल जाए। और बहुत सारी कंट्रीज है जो आपको इतने पर्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो लोग अभी मूव कर रहे हैं कि इंडिया में अगर अच्छे से कमा रहे हैं तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं दुबई सिंगापुर जैसी जगह पे जा, तो दुबई सबसे एक हॉट डेस्टिनेशन बन गई, यहाँ से लोगों को मूव करने की। ऐसा कुछ वहाँ पे है नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा, मतलब ये नहीं बोलो कि भाई वहाँ जाके कुछ बहुत ही बदल जाएगा, बट उनको जो चीजें एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन है लाइफ से वो वहाँ पे पूरी हो रही है। गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट उनको बहुत चीजें प्रोवाइड कर रही है। अब इसका रीजन ये भी है कि भाई कंट्री छोटी है, तभी उसको भाई फिफ्थ सिटी ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भाई दिल्ली दुबई मतलब हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते में ट्रैवल करते रहते हैं। बहुत सारे इंडियंस मिले मुझे जब मैं वहाँ पे गया, और मतलब दूसरा इंडिया बना पड़ा है भाई, सब इंडिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश इन सब कंट्रीज के लोग बहुत सारे हैं वहाँ पे। दैट इज जस्ट बिकॉज वो अपने देश में भाई उनको खुशी नहीं मिल रही तो वहाँ जाके ढूंढ रहे। तो यही चीज अगर चलती रही तो हम इंडिया को बोलते हैं कि भाई हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और कुछ टाइम बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, बट वो नंबर्स में है भाई। वो कुछ ही लोग दिखा रहे हैं, कुछ ही लोग आपकी इकोनॉमी को चला रहे हैं, बट जब तक किसी देश का ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। और ऐसे ही अगर HNIs इंडिया छोड़ के जाते रहे तो सारा का सारा जो बाहर है वो जो टैक्स पे करने का वो मिडिल क्लास के ऊपर ही आए, और फिर वही महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा, टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगा और वही सेम सर्कल रिपीट होता रहे। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने एड्रेस करी, जिस वजह से जो सारे HNIs हैं इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं कहीं ना कहीं अपना बाहर सेटलमेंट देख लूँ या कहीं बाहर सेटलमेंट कर लूँ, यहाँ तो मुझे कुछ मिलने। तो आपकी इस बारे में क्या सोच है मुझे बताओ। बस बहुत सारे लोग कमेंट कर लें कि भाई देशद्रोही है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक प्रैक्टिकल थिंकिंग के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताया। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इनको सॉल्व करना, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे गवर्नमेंट में तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। और इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की, कि अगर आप इस मॉनिटरिंग सिस्टम में लोगों को एम्प्लॉय कर दो तो बहुत हद तक अनएम्प्लॉयमेंट गायब हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इंडिया में ईमानदार लोगों की कमी है, बहुत ईमानदार लोग हैं लेकिन उनको लोग काम नहीं करने देना चाहते। तो सिर्फ मॉनिटरिंग सिस्टम अगर स्ट्रांग हो जाए तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें सब जगह पे देखने को मिलेगा। और भाई अपने टैक्स का हिसाब तो अगर हम भर रहे हैं तो मांग तो सकते हैं गवर्नमेंट से, तो सबको मांगना पड़ेगा। ये तो कैसा लगा भाई वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर ऑल कर दिया करो, बार बार बोलता हूँ यार, शेयर कर दिया करो, किसी और के काम आ जाएगा। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई और तो समझ जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।